हेलो ऑल ऑफ यू, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा अल्फाबेट्स, नंबर्स, रिमेनिंग एंड अपोजिट लेटर्स ऑफ लेटर्स ट्रिक। और देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है बिकॉज इट इज़ अ बेसिक ऑफ रीजनिंग। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होती है। और देखो, जिस बच्चे को रीजनिंग में अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं है तो वो रीजनिंग में अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकता, उसकी स्पीड रीजनिंग में कभी भी अच्छी नहीं होगी। और देखो, रीजनिंग यार सबको आती है, सभी को रीजनिंग आती है, बट बात यह है कि क्वेश्चन को कम समय में कौन कर रहा है। जो क्वेश्चन को कम समय में करेगा भाई, वो ही युद्ध जीतेगा, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं अल्फाबेट्स नंबर्स को, जो इसके नंबर्स हैं उनको हम किस तरह से याद करेंगे, और हम इस तरह से याद करेंगे कि अब हम लाइफ टाइम इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अल्फाबेट्स नंबर ये हैं क्या। तो देखो अल्फाबेट्स नंबर क्या है, जैसे कि ए, ए से स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट्स, तो ए कितने पर है, एक पर, तो ए का नंबर एक हो गया। फिर बी आता है, बी का नंबर दो हो गया। फिर सी आता है, सी का नंबर तीन हो गया। फिर डी आता है, डी का नंबर चार हो गया। और इसी तरह से ये अल्फाबेट्स के नंबर होते हैं, जैसे कि एम, एम का नंबर कितना है, तेरह, एम तेरह पर आता है। जैसे कि यू, यू कितने पर आता है, इक्कीस पर। जैसे कि जेड, जेड लास्ट होगा 26। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स नंबर या फिर प्लेस वैल्यू हम बोल देते हैं। अब देखो, मैंने एक बात लिख रखी है कि अक्षर खुद बताते हैं अपनी प्लेस वैल्यू। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है बच्चों, कि जो ये लेटर्स है ना, ये खुद बोलेंगे कि देखिए हम इस नंबर पर हैं, आप आंख खोल के तो देखो। तो देखो, हमें यही समझना है, यही हमारी ट्रिक्स है कि ये जो लेटर्स हैं ये किस तरह से आपको बताएंगे कि हमारा नंबर ये है, ठीक है। अब देखिए, इतना तो हम जानते हैं कि ए से स्टार्ट होती है लेटर्स और जेड पर जाके खत्म हो जाता है ना। तो देखिए, ए, बी, सी, डी और ई, ये तो देखो आप लोग यार याद कर सकते हो कि ए बी सी डी ई, ए एक पर होगा है ना, बी दो पर होगा, सी तीन पर होता है, डी चार पर और ई पांच पर। ये हम सबको याद रहता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट, सबसे लास्ट में क्या होता है, जेड। टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, तो लास्ट में जेड है, तो जेड की प्लेस या नंबर कितना हो जाएगा, 26। तो ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ई का पांच, जेड लास्ट में आएगा, 26 टोटल होते हैं, तो जेड की प्लेस कितनी आएगी, 26। और जेड से पहले, जेड से पहले आता है वाई, तो ये कितने पर आता है, 25 पर। देखो, इतना तो हमको बेसिकली याद होता है, इसमें हमें कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है। अब हम आगे के जो लेटर्स हैं, देखो इनको कैसे याद करेंगे ना, ये आप ध्यान से देखो। तो देखिए, सबसे पहले हम याद करेंगे जी। अब देखो, जी आपसे क्या बोलेगा, जी बोलेगा कि भाई जरा मुझे अच्छे से देखो, मेरे नीचे क्या लटका हुआ है, सात। जी क्या बोलेगा आपसे कि मुझे अच्छे से देखो, घूर घूर के मुझे देखो, मेरे नीचे क्या लटका हुआ है, सात। तो बेटा, जी कितने पर होगा, जी होगा सात पर। तो यहां देखिए, जी का कितना लेटर, जी का जो नंबर है, प्लेस वैल्यू है, वो कितनी है, सात। उसके बाद इसी तरह से क्यू, क्यू, क्यू क्या बोलेगा कि मुझे ध्यान से देखो, मेरे नीचे क्या लटका हुआ है, सात। तो इसी वजह से क्यू कितने पर होगा, सत्रह पर, ठीक है। तो अब देखिए, जी, जी दिखते ही आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए कि जी के नीचे क्या लटका हुआ था, सात, तो वो कितने पर होगा, सात पर। और क्यू देखते ही आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए कि क्यू, क्यू के नीचे क्या लटका हुआ था, सात, तो वो कितने पर होगा, सत्रह पर। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, ये सारे की सारी फिगर ना खुद बनानी है एक बार हाथ से। और जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, ये सात लटका हुआ है, ये क्यू लटका हुआ है, यहां पर दो तीन बार पेन को बार बार चलाना, आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। आपको इमेज याद करनी है यार, जी ने खुद ने बोला मेरे नीचे सात लटका हुआ है तो मैं सात पर हूं, क्यों ने बोला मेरे नीचे सात लटका हुआ है तो मैं सत्रह पर हूं, ठीक है। चलिए और लेटर्स देखते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं W की और
एम की, ठीक है। अब एम क्या बोला, एम बोला भाई मुझे इस तरह से रोटेट कर दो, कौन सा, क्लॉकवाइज। अगर आप मुझे क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो मैं कैसा दिखूंगा, तीन जैसा, है ना। एम ने क्या बोला, मुझे रोटेट कर दो क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में मुझे रोटेट कर दो तो मैं कैसा दिखूंगा, तीन जैसा। पर तीन पर क्या होता है, सी, तो एम कितने पर होगा, 13 पर। इसी तरह से डब्लू, डब्लू ने क्या बोला कि मुझे रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज तो मैं क्या बन जाऊंगा, तीन, मैं कैसे दिखने लगूंगा, तीन जैसा। बट तीन पर आ गया सी, 13 पर आ गया एम, तो भाई डब्लू कितने पर होगा, 23 का, मतलब 23 पर। तो अब आपको M दिखते ही क्या दिखना चाहिए, 3, और W दिखते ही क्या दिखना चाहिए, 3, ठीक है। M देखते ही क्या आना चाहिए दिमाग में, 3, रोटेट करा उसको 3 बन गया, W को रोटेट करा वो 3 बन गया, वो कितने पर आया, 23 पर, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अभी याद हो गया होगा। तो बेटा अब हम आते हैं I पर, ठीक है। अब देखो आई आपसे क्या बोलेगा, आई बोलेगा बेटा बचपन में जाओ अपने, आई बोलेगा मेरे बचपन में भी जाओ और अपने बचपन में भी जाओ। तो बचपन में हम स्मॉल आई, छोटे आई को कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। तो बचपन वाला आई, छोटा वाला आई क्या बोल रहा है, मैं किस नंबर पर हूं, 9 पर हूं, मैं किस नंबर पर हूं, 9 पर हूं। तो आई कितने पर होता है, 9 पर, ठीक है। तो आई का बचपन क्या है, 9 जैसा है, तो वो कितने पर हो जाएगा, 9, ठीक है। तो स्मॉल आई हम इस तरह से लिखते हैं, जो कि किस तरह का दिखता है, 9 जैसा। तो आप देख पा रहे हो कि इनकी फेस जो अक्षर हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि हमारा प्लेस वैल्यू, हमारा नंबर ये है। अब बात आती है भाई जे और के, जे और के से क्या आता है, क्या याद आता है, जे और के से हमें याद आता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जे और के से हमें क्या याद आएगा बेटा, जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में टेंशन बनी रहती है, गोली वगैरह वहां चलती रहती है। तो आप क्या याद रखोगे कि जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां तो चलती रहती हैं, जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां तो चलती रहती हैं। तो जे कितने पर आया, 10 पर, और के कितने पर आया, 11 पर। तो जे का 10 और के का 11, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में तो 10-11 गोलियां चलती रहती हैं। तो देखो इतने सारे लेटर्स हमने याद कर लिए, ए बी सी डी ई जी ई जे के एम जेड वाई डब्ल्यू, ये सब हमने याद कर लिए। अब मैं आपको एक बार इनको रिपीट करवाता हूं, ठीक है, और आप फटाफट आप मुझे जवाब दोगे घर बैठ के, ठीक है, फटाफट, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला जी, जी कितने पर है, तो तुम्हें जी में क्या दिखा, 7, तो आप बोलोगे सर 7 पर। मैंने बोला क्यू, क्यू कितने पर है, तो आपको क्या दिखा, 7, तो आप बोलोगे सर 17 पर। मैंने आपसे बोला आई, आई कितने पर है, तो आई का बचपन स्मॉल आई कैसे बनता था, ऐसे, तो ये कितने पर होगा, 9 पर। एक बार फटाफट सारा रिपीट करते हैं, मैंने लिखा एम, एम का क्या बन जाएगा सर, 3, तो ये कितने पर होगा, 13 पर। मैंने बोला डब्लू, डब्लू का क्या बन जाएगा, 3 सर, आप बोलोगे 23 पर। मैंने बोला भाई जे, जे कितने पर होगा, या फिर के कितने पर होगा, जम्मू एंड कश्मीर वहां 10-11 गोलियां तो चलती रहती हैं, तो ये 10 पर और ये 11 पर। देखो याद हुआ ना, पूछो अपने आप से याद हुआ ना। चलो अब आगे और मैं बताता हूं और कैसे याद करोगे आप। तो स्टूडेंट देखो अब हम याद करेंगे एल वी एक्स और यू, इनको हम कैसे याद करेंगे। तो देखो यहां पर पॉइंट है, वी पर यहां से पॉइंट है, L पर यहां पर पॉइंट है, U पर यहां पर पॉइंट है, बट U में कोई पॉइंट नहीं है जहां से लाइन जुड़ रही है। अब देखो L में यहां से लाइन जुड़ रही थी, है ना, यहां जॉइंट था, तो कितनी लाइन जुड़ रही थी, 1 और 2, तो भाई ये आ गया 2, तो बेटा ये कितने पर होगा, 12 पर। ये कितने पर होगा, 12 पर, क्योंकि L पहली आ जाता है। अब V आता है लास्ट में, हमें पता है लाइन यहां से जॉइंट हो रही है, कितनी लाइन है, 1, 2, तो ये कितने पर होगा, 22 पर। इसी तरह से हमें पता है X लास्ट में आता है, इस पॉइंट से देखो X में कितनी लाइन जॉइंट हो रही है, 1, 2, 3, 4, तो ये कितने पर होगा, 24 पर। तो मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूं, ये लाइन थी, है ना, इस पॉइंट से कितनी लाइन ज्वाइंट हो रही थी, 2 लाइन ज्वाइंट हो रही थी, तो ये 2 हो गया, लाइन 2 है, तो ये कितने पर होगा, 12 पर। वी में इस पॉइंट से कितनी लाइन ज्वाइंट हो रही थी, 2 लाइन ज्वाइंट हो रही थी, तो ये आ गया 2, तो ये कितने पर होगा, 22 पर। इसी तरह से एक्स में कितनी लाइन ज्वाइंट हो रही थी,
पॉइंट से 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया हमारा 4, तो ये कितने पर होगा, 24 पर। पर देखो यहां तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यहां तो यू में कोई पॉइंट ही नहीं है। यू में क्या था, एक डंडा था, उसको हमने खींचकर बना दिया इस तरह का, तो एक ही लाइन है, कोई लाइन ही नहीं है, कोई जॉइंट ही नहीं है, तो एक, और एक की वजह से ये कितने पर होगा, 21 पर। तो देखिए हमने और क्या क्या याद कर लिया, हमने एक्स याद कर लिया जो कि 24 पर था, चार लाइन थी। हमने V याद कर लिया जिसमें दो लाइन थी पॉइंट से, तो वो 22 पे था। U में एक ही लाइन है तो हमने याद कर लिया वो 21 पे था, ठीक है। अब देखो T बहुत आसान है याद करना, T20 वर्ल्ड कप, T420 वर्ल्ड कप, T20 बहुत आसान है, ये आप आराम से याद कर सकते हो T420। और हमने क्या याद करनी है, हमने L याद कर लिया। तो देखो हमने इतनी सारी चीजें तो यार याद कर ली। अब देखिए नेक्स्ट लेटर्स जो हम याद करेंगे वो हम याद करेंगे ओ और पी। मैंने क्या लिख रखा है, ओ पापा। क्या लिख रखा है, ओ पापा। अब देखो ध्यान से समझो, जब मम्मी तुम्हें मारेगी 15-16 तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा, ओ पापा बचा ले, है ना, राइट। तो बेटा जब मम्मी मारेगी 15 और 16 तो निकलेगा क्या, ओ पापा। तो ओ कितने पर होगा, 15 पर, और पी क्या होगा, 16 पर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब मम्मी तुम्हें मारेगी 15-16 तो तुम क्या बोलोगे, ओ पापा। तो ओ 15 पर, पी 16 पर, ठीक है बेटा। देखो अब हम याद करेंगे एफ और पी। अब देखो एफ हमसे क्या बोलेगा, एफ बोलेगा कि मुझे उल्टा करके देखो, मुझे उल्टा करके देखो तो मैं अपनी प्लेस आपको बता दूंगा। तो मैंने एफ को देखो उल्टा करा, एफ को जब मैंने उल्टा करा तो वो इस तरह से बन गया। तो ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है हमें 6, तो एफ कितने पर होगा, 6 पर। एफ कितने पर होगा, 6 पर। तो एफ ने हमें क्या बोला कि मुझे उल्टा करके देखो मैं आपको अपनी प्लेस बता दूंगा। ऐसे ही पी ने हमसे बोला कि पी ने बोला मुझे उल्टा कर दो मैं अपनी प्लेस बता दूंगा। तो ये क्या बना, 6 पर क्या आ गया, एफ। तो ये कितने पर होगा, 16 पर। तो ये कितने पर होगा, 16 पर, ठीक है। इसी तरह से देखो एच, डिजिटल एच देखो इस तरह से नहीं बनता कुछ, डिजिटल एच अगर हमने घड़ी देखी है तो डिजिटल एच कुछ इस तरह से बनता है। तो अगर मैंने एच को यहां से बंद करा तो ये कितना दिखा मुझे, 8। तो बेटा एच कितने पर होगा, 8 पर, ठीक है। तो एच कितने पर होगा, 8 पर। इसी तरह से अगर मैं आर को यहां से बंद कर दूं तो ये भी कितना बन गया, 8। तो आर कितने पर होगा, 18 पर, ठीक है। एच से क्या बना, 8, तो वो 8 पर हुआ। आर में क्या बना, 8 मतलब 8, तो वो कितने पर हुआ, 18 पर। अब इसी तरह से देखो मैंने एस को यहां से बंद करा तो ये कितना बन गया, ये बन गया 9। ये क्या बन गया, 9। तो ये कितने पर होगा, 19 पर। तो देखिए हमने सारे के सारे लेटर्स याद कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास केवल कौन सा लेटर बच गया, हमारे पास केवल लेटर बच गया एन। एन देखो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब आपको रोमन काउंटिंग आती होगी, जैसे कि ये होता है, ये होता है 1, ये होता है 2, सेकंड जिसे हम बोलते हैं, ये बोलते हैं हम थर्ड। क्लास जब लिखी होती तो इसी तरह से लिखी होती थी, छोटी छोटी क्लासेस में जब हम होते थे। तो बेटा ये जरा मुझे बताओ ये कितना होगा, जरा ये तो आपको पता होगा ये कितना होता है, ये होता है, बोलोगे सर 4, ये कितना होता है, 4। तो बेटा यहां से क्या बन गया, 4। तो ये कितने पर होगा, 14 पर। तो देखिए हमने सारे के सारे अल्फाबेट्स लेटर्स याद कर लिए। आपको क्या करना है, केवल अपनी नोटबुक पर ये सारे एक बार बना के देखने हैं और अपने दिमाग में इनकी इमेज को सेट करना है। तो मैं एक बार आपके लिए ये सारे के सारे रिपीट कर रहा हूं और मेरे साथ साथ आपको आंसर देना है। चलिए तो मैं कोई भी रैंडमली पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा Q कितने पर है, तो आप देखो माइंड पर इमेज लाओ कि Q में क्या लटका होता था, यहां 7, तो ये कितने पर होगा, 17 पर। मैंने पूछा आपसे कि X बताओ, X कितने पर है, तो आप बोलोगे मैंने सिखाया था ये पॉइंट और इस पॉइंट से कितने लाइन जा रही है, 1, 2, 3, 4, तो ये कितने पर होगा, 24 पर। मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ कि जे कितने पर है, तो आप बोलोगे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, तो ये 10 पर होगा और के 11 पर होगा। मैंने आपसे पूछा एम, एम कितने पर है,
तो M दिखते ही आपको क्या दिखना चाहिए, 3, तो ये कितने पर होगा, 13 पर। मैंने पूछा आपसे W, W कितने पर है, तो आपको क्या दिखेगा, 3, तो ये कितने पर होगा, 23 पर। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करके जाना इस वीडियो पर अगर आपको ये पसंद आई है। और एक बात जरूर, छोटा सा काम आपको करना है बस हमारे लिए, एक छोटा सा काम, कि जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपकी फेसबुक आईडी है, वहां जाकर बस इस वीडियो को शेयर कर दो, बस यही हमारे लिए आपका प्यार है और यही हमारी क्या है, फीस है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्यार के साथ और ऐसी नई नई ट्रिक्स के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, अपने परिवार को भी बचाइए। गुड नाइट, टेक केयर।